हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैगन भजिया की रेसिपी। तो शाम की चाय के साथ खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर एक भी बैंगन आपके पास पड़ा हुआ है तो आप बेसन के साथ इसे फटाफट बना सकते हैं और एक बैंगन से ढेर सारे बैंगन भजिया बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो बैंगन भजिया को बनाने के लिए यहाँ पे मैं हरा वाला बैंगन ले रही हूँ। आप कोई भी बैंगन यूज़ कर सकते हैं, बड़ा वाला कोई भी बैंगन ले रही हूँ। और इसके हमको पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं, तो जितना पतला आप काटेंगे उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा आपका बैंगन भजिया। तो इस तरह से हम स्लाइसेस काट के तैयार कर रहे हैं इसके। तो हमने सारे स्लाइसेस काट लिए हैं, और यहाँ पे एक बोल में हमने पानी रखा हुआ है, इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे सारे बैंगन को। और सारे बैंगन को हम अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे, इससे बैंगन काला नहीं पड़ेगा। और चलिए इसके लिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है बेसन, और बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इतना हो कि अच्छे से बैंगन में कोट हो जाए। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तेल, तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है यहाँ पर। थोड़ा डाल रही हूँ नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। थोड़ी सी जाएगी हल्दी पाउडर, और यहाँ पर अजवाइन है 1 टीस्पून के करीब, उसे हाथों से रब करके हमने डाल दिया है। और साथ ही इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा रेड चिल्ली फ्लेक्स। तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो डालिए, या फिर अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा सिरका, तो 1 टीस्पून सिरका डाला है। तो सिरका और तेल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा और तेल बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रहने देंगे। और हमारे इधर जो बैंगन था इसको पानी से हमने निकाल लिया है, और चलिए अब हम भजिया तैयार करते हैं। तो एक एक बैंगन को आपने ऐसे लेना है, तेल हमने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, और इस तरह अच्छी तरह से कोट करना है बैटर में, और इस तरह से डाल देना है। और जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम टर्न कर देंगे, और दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो बैंगन भजिया बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, क्योंकि बैंगन अंदर से रहने की वजह से थोड़ा भजिया को सिकने में टाइम लगता है। तो लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे एक साइड आपको सेंकने में। और ये लीजिए, बैंगन भजिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस से आपने बाकी के सारे भजिया बनाकर तैयार कर लेने हैं, और गर्मा गर्म चाय के साथ परोसना है। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और साथ ही थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर डालें तो बहुत ही चटपटा लगता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।